देख रहे हो गोवा की नाइट लाइफ। रात के ना तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी एक बंदा ना हमारे पीछे पड़ गया, हम बोले उसको जा जा जा, नहीं कह रहा आइटम आइटम आइटम। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नाइट व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं बागा बीच। गोवा का सबसे हैपनिंग बीच की अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले नाम आता है बागा बीच का। बागा बीच फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। बागा बीच में किटोस लेन करके एक लेन है, जहाँ पे लाइन से सारे क्लब्स वगैरह पब्स वगैरह है। वहाँ पे दिन ही स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से। लोगों के आने का जो सिलसिला स्टार्ट होता है ना, वो 12 एक बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। हम लोगों ने अपना रूम लिया हुआ है कालंगोट में। लास्ट लोग आपने देखा होगा कि हमने आपको नाइट में दिखाया था कालंगोट बीच। रात के 1 बज रहे हैं और हम इस टाइम जा रहे हैं बागा बीच में, क्योंकि जाने का टाइम ही यही है भाई। वहाँ पे बागा में हमारे साथ में हमारे भाई जफर भाई। जफर भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, मौज आ रही है। अरे कैसा लग रहा गोवा में आके? गार्डन हो रही है, गार्डन हो रही है, ऐसा कुछ सीन है भाई। बाकी रौनक तो फुल है भाई, रात के 1:30 बजे भी। टिटोस लेन ना 3 लेन है, तो सबसे पहले हम आपको टिटोस लेन 1 में लेके चलेंगे। और जो मेन टिटोस क्लब है वो इसी वाली लेन में, उसी क्लब के नाम पे ना इस पूरी लेन का नाम टिटोस लेन पड़ गया है। टिटोस क्लब एक्चुअली यहाँ पे सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लब है। सबसे महंगी एंट्री फी और सबसे अच्छा क्राउड टिटोस क्लब में ही होता है। तो अगर आप अच्छा आपका बजट अफोर्ड कर सकते हो ना, तो सारे क्लब्स को रख देना साइड में, आप एंट्री करना टीटोस क्लब में। 2 से 2500 रुपए की वहाँ पे एंट्री फीस रहती है, जिसमें कि 1800 रुपए आपके कवर चार्जेस होते हैं। कवर चार्जेस क्या होता है कि जो आपने एंट्री फी पे करी है उसमें से कितना अमाउंट आप लोग खर्च कर सकते हो उस क्लब के अंदर, खाने में, दारू में, किसी भी चीज़ में, उसको बोलते हैं कवर चार्जेस। तो मतलब 2500 रुपए आपको टीटोस क्लब में एंट्री देने पड़ेंगे, जिसमें से 1800 रुपए आप खर्च कर सकते हो। तो बाकी अभी आपको लाइन से लेके चलेंगे, सारे क्लब्स दिखाएंगे और सारे क्लब्स की एंट्री फीस, स्टेग एंट्री, कपल एंट्री, सारे के रेट्स बताएंगे। एक आपको ना टिप मैं देता हूँ कि क्लब के अंदर आप जाओगे आप तो ड्रिंक तो करोगे, अगर आपका बजट अच्छा तो ठीक है क्लब के अंदर ही ड्रिंक करना, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा नहीं है ना, तो आपको टिटोस लेन के बाहर ही ना काफ़ी सारी वाइन शॉप्स वगैरह मिल जाएगी, जहाँ से आप ना वाइन वगैरह ले सकते हो, बियर वगैरह ले सकते हो, और बाहर से ही हाई होके जा सकते हो, ताकि अंदर आपका खर्चा थोड़ा कम आए। और आपको एक एक करके सारे क्लब्स हम दिखाने वाले हैं। पूरे गोवा में ना वैसे टैटूज का बहुत क्रेज है, किसी भी गली में ना टैटूज की शॉप मिल जाएगी। और यहाँ पे ना टिटोस लेन में आपको एक चीज और दिखेगी, इनको बोलते हैं फिश स्पा, और ये ना इनको डॉक्टर फिश भी बोलते हैं। आप इसमें पैर डाल के बैठोगे, घंटे के आपसे 150-200 रुपए चार्ज करते हैं, बार्गिन भी कर सकते हो। इसमें जो फिशेज होती है ना, वो आपके पैरों की डेड स्किन जो होती है वो खा जाती है, बाकी छोटी छोटी होती है, 1 इंच भर की फिशें होती है। मोस्टली यहाँ पे वैसे टैटूज की शॉप और लिकर शॉप वगैरह ही है। भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, और रात के 1:30 बजे भी ना भाई देख रहे हो हलचल काफ़ी है। वैसे इस टाइम तो सारे लोगों ने क्लब में अंदर एंट्री कर ली होती है, और 3 या 4 बजे जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आपको ना 3 या 4 बजे रात के या सुबह आप बोल लो जब आप आओगे ना यहाँ पे, तो आपको ये इस रोड पे ना इतना क्राउड मिलेगा, क्योंकि 4 बजे ना सारे क्लब्स बंद हो जाते हैं, और जितना भी क्राउड अंदर होता है ना सारा क्राउड बाहर आ रहा होता है। तो इस वाली रोड पर भाई साहब मेला से लग जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे भाई आपको कैफ़े कूफे भी मिल जाएंगे, मोमोज वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। बाकी भाई साहब यहाँ पे आओगे ना टिटोस लेन में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो वो कौन से स्कैम होते हैं उसके लिए मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा अलर्ट रहना। कोई भी आपसे थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है, थोड़ा आपको स्माइल दे रहा है, तो ये मत समझ लेना कि वो लड़की आपसे पट गई, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको स्कैम करने के इरादे से ये सब कर रही है। ये सब यहाँ पे होता है भाई, बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ये आपके घुमक्कड़ भैया ने आपको टिप दी है, हमेशा माइंड में रखना जब भी आप टिटोस लेन आ रहे हो कि यहाँ पे ये सब भी होता है। तो भाई अब हो गई यहाँ से क्लब की स्टार्टिंग। तो टिटोस लेन 1 में ना जो सबसे पहले जो क्लब आता है ना, वो ये है द पिंक एलिफेंट करके। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो मैंने इसी क्लब में एंट्री ली थी, और इस क्लब की जो एंट्री फ़ी है, अब चलो सारे क्लब्स में बताता हूँ कि सारे क्लब्स में क्या होता है कि आप रात के 9 बजे से पहले पहले एंट्री करोगे ना, तो आपको एंट्री फ़ी के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे।
अगर इस टाइम अभी आप रात इस टाइम अगर अभी आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको इस टाइम पे 1000 रुपये एंट्री फी देनी पड़ेगी, जिसमें आपके 500 रुपये कवर होते हैं द पिंक एलिफेंट में। तो यहाँ से पहले इनका कवर इनसे पूछ के आते हैं यहाँ के एंट्री का सीन क्या है। तो भाई साहब लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे 500 रुपये में मैंने एंट्री ली थी, और उस टाइम सीजन भी था और उस टाइम मैंने एंट्री कर दी थी 11 बजे करीब। लेकिन इस टाइम ना रात के 1 बज रहे हैं और रात के 1 बजे ना यहाँ पे जो एंट्री फी है वो 1000 रुपये। 1000 रुपये में आपको 900 रुपये आपके कवर चार्जेस है, अंदर देख सकते हो। तो भाई काफ़ी बढ़िया अंदर से तो। और वाओ हेलो ब्रो, हाय हेलो, हाय हाउ आर यू मैन, गुड गुड। तो एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे भाई लोग डांस वांस कर रहे हैं, वाओ। व्हाट्सअप ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आई एम फ्रॉम दिल्ली। पिंक एलिफेंट के बाद यहाँ पे एक क्लब है द बागा पैराडाइज करके। और एक चीज़ और यार, द पिंक एलिफेंट में आप अगर अंदर एंट्री करोगे ना, आपको जो क्राउड मिलेगा वो आपको मिक्स क्राउड मिलेगा। मतलब यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा खासा क्राउड नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो एंट्री फी है ना वो इसी क्लब में है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ना मतलब ऐसा अच्छा क्राउड नहीं होता है यहाँ पे, मतलब ये देख रहे हो। और हर क्लब में ना टीटीओस दिल में जितने भी क्लब है सारे क्लब्स में लेडीज़ का एंट्री फ्री होता है, और उनको ना एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिलता है। तो लड़कियाँ क्या करती है भैया, लड़कियों के लिए सही है, अगर आप लड़कियों का ग्रुप है ना आपको, आप सारे क्लब में जाओ, एक एक ड्रिंक का शॉट लो कॉम्प्लीमेंट्री वाला और निकल के आ जाओ, आपका मतलब सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। आपको कोई एंट्री फी नहीं पे करनी है, आपको कोई ड्रिंक का पैसा पे नहीं करना है, आपका सही सीन शॉर्टेड है। लेकिन अगर आप लड़कियों का ग्रुप है तो, और बाकी सारे क्लब्स में ना इस तरीके से आपको मतलब कई सारे रशियन फॉरनर्स होते हैं, रशियंस होती हैं, ऐसा डांस करते हुए क्लब से मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, वैसे पूरा एक ब्लॉग कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन से क्लब में हम अंडर एंट्री करते हैं। अभी तो अभी हम पहले आपको पूरा दिखाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पर एंट्री करनी है या नहीं करनी है, या आपको मैं बाहर से दिखा के निकल जाऊँगा, ठीक है। क्राउड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे क्लब के अंदर, लेकिन और भी क्लब्स हैं। तो भाई पिंक एलिफेंट के बाद यहाँ पे एक और क्लब है, इसका नाम क्या है, अनलिमिटेड ड्रिंक करके, क्या है ये पता नहीं क्या, मतलब लड़कियों का वॉक इन फ्री है और अनलिमिटेड ड्रिंक है। तो यहाँ पे जो एंट्री फी है वो 1000 रुपीज है, 1000 का 1000 कवर है। अगर आपको कुछ कवर चार्जेस नहीं लेने, अगर बस एंट्री करनी है, उसके लिए आपको बस 500 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और क्लब्स आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा पिट शॉप करके, और अगर एंट्री का रहता है कुछ, एंट्री का रहता है कितना, 500 एंट्री, वो कवर चार्ज रहता है, और कपल एंट्री, कपल एंट्री में 500, कपल एंट्री भी 500, और लेडीज़ का, लेडीज़ का फ्री है, तुम्हारे लगेगा, लेडीज़ का फ्री है, और ड्रिंक मिलेगा, थैंक यू। यहाँ पे एक और क्लब है द वाइट गोवा करके, ये तो भाई साहब मुझे लग रहा है कि इनका क्राउड वर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ है नहीं, TWG करके ये है, और यहाँ पे एंट्री वंट्री कुछ नहीं है भाई, सब बंद हो चुका है, 1 बजे बंद हो गया यार। क्राउड देखो भाई, क्राउड चेक करो, अंकल भी आए हुए क्या क्लब में, कॉकटेल एंड ड्रिंक, एक क्लब ये है भाई इधर कॉकटेल एंड ड्रिंक्स, यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, यहाँ पे कुछ क्राउड नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री वंट्री का क्या होगा, मतलब वही 500 रुपये कुछ होगा। भाई साहब टीटोस लेन में जो मेरा फेवरेट क्लब है ना, जहाँ पे मैं पहली बार आया था, और मुझे वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की वाइब, वहाँ का सब कुछ जो पसंद आया था ना, वो ये वाला था, आपका गेट हाई। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है ना, यहाँ पे बस कपल एंट्री है, आप अगर सिंगल हो, लौंडे हो, या तो आपको, या ग्रुप में है, लड़कों ग्रुप है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपका एक कपल होना चाहिए, उसके साथ ही आपको तो गेट हाई में एंट्री मिलती है। लास्ट टाइम मैं आया था मैंने आपको अंदर से भी दिखाया था। और यहाँ पे एक और क्लब है था माया करके, तो भाई यहाँ पे पूल भी है और कुछ ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट है।
थैंक यू ब्रो, थैंक यू। साउंड बड़ा गजब है। ये हो गया 10 बजे तक ही है, 10 बजे के बाद। तो भैया यहाँ पे एक और क्लब है माया क्लब करके, भैया क्या रहता है एंट्री का इधर? एंट्री का क्या रहता है? 1500 रुपये कवर चार्ज है। एंट्री फ्री, फुल कवर है? फुल कवर। हेलो ब्रो, अभी क्राउड नहीं आया बिल्कुल? किस टाइम क्राउड आता है? 11 बजे के बाद। तो भाई ये थे क्लब जो कि टिटोस लेन में है, लेकिन टिटोस लेन किस वजह से टिटोस लेन है वो ये है भाई, क्लब टिटोस यहाँ का जो सबसे फेमस सबसे पुराना क्लब है ना भाई, वो टिटोस क्लब है। ये देखो भाई, ये ज्यादा ड्रिंक कर लिया होगा तो इसको बाहर कर रहे हैं, अंकल को बाहर कर दिया इनको क्योंकि इन्होंने ओवर ड्रिंक करा हुआ है। तो ये भाई टिटोस क्लब, यहाँ पे जो एंट्री है ना वो 2200 से 2500 रुपये लेता है, जिसमें से 1800 रुपये पूरा कवर रहता है। और ये वाला सीन है भाई, सबसे अच्छा जो क्राउड है ना भाई यहाँ पे टिटोस लेन में, और यहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, कोई भी बंदा ना किसी भी तरीके से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, देख रहे हो ऐसा कुछ क्राउड रहता है, फुल मस्ती वस्ती वाला। तो भाई साहब टिटोस लेन है ना, यहाँ पे रौनक पूरी रात भर रहती है, सुबह के 4 से 5 बजे तक ना यहाँ पे ऐसे ही सारे क्लब चलते रहेंगे, और ऐसे ही लोग गाना गुना, और कोई वॉमिट कर रहा होता है, कोई कहीं पड़ा रहता है, ऐसा यहाँ पे सीन रहता है। और यहाँ पे भी देखो भाई कई सारे यहाँ पे हुक्का पार्लर वगैरह भाई, मैम बो करके जो ये क्लब आप देख रहे हो ना, ये भी टिटोस का एक्सटेंशन है, ये भी वैसे टिटोस का ही है, लेकिन यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम रहता है। मैम्बो के साथ में ना टिटोस लेन यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से आगे ना टिटोस लेन 2 और 3 स्टार्ट होता है भाई, लेकिन टिटोस लेन 2 और 3 में ना कुछ इतना खास क्राउड है नहीं, जो मेन क्राउड है मेन जो रौनक है ना भाई टिटोस लेन 1 में ही है। और ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, टिटो हेनरी द डिसोजा करके 1927 का बॉर्न हुआ था, 1983 में स्वर्ग सिधार गए थे, यही वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे लेन को ना बनाया, इन्होंने वैसे टिटोस क्लब बनाया था, उसके बाद इन्होंने पूरे टिटोस क्लब की ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, यहाँ की रोडें बनाई, गलियां बनाई अपने ही क्लब की अर्निंग से, और इस गली का नाम टिटोस क्लब की वजह से टिटोस लेन पड़ गया। पहले तो बस यहाँ पे एक ही लेन थी, लेकिन अब यहाँ पे ना एक लेन इस तरफ जा रही है, एक लेन इस तरफ जा रही है, इस तरफ टिटोस लेन 2 है, इस तरफ टिटोस लेन 3 है। यहाँ पे वैसे ज्यादा क्लब्स नहीं है, वैसे यहाँ पे जितने बीच के साइडिस में क्लब्स हैं, मतलब ओपन एयर थिएटर टाइप के हैं। अब मैं आपको ना टिटोस लेन 3 और 2 दिखाता हूँ, यहाँ पे ना ऐसे ओपन में म्यूजिक वगैरह चलता रहता है, आपको डांस वगैरह करना है करो, कुछ खाना वाना ऑर्डर करना है करो, नहीं करना फुल डांस वांस करते रहो यहाँ पे, मतलब आपको वाइन्स के कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे वाइन्स के कई सारे ठेके वेके, उनके आगे म्यूजिक व्यूजिक बजता रहता है और लोग डांस वांस करते रहते हैं। और यहाँ पे भाई साहब कुत्ता बड़ा भयंकर लग रहा है मेरे को, काट ना जाए भाई। और यहाँ पे कुछ इस तरह के ना यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बैठ के वाइन पीना है, दारू पीना है, खाना खाना है, ड्रिंक करना है, जो करना है कर सकते हो। और भाई साहब ये देख लो, अब हम लोग ना बागा बीच पे आ चुके हैं, टिटोस लेन जो बसा हुआ है ना वो बागा बीच पे ही बसा हुआ है, बागा बीच के किनारे बसा हुआ है। तो चलो भाई अब ना टिटोस लेन से निकलते हैं, 2-2.5 घंटे हम लोग वहाँ पे रुके, और अपना 2:30 करीब बच चुके हैं, और अपना रूम के वापस निकल रहे हैं। इस टाइम क्लब में एंट्री करने का कोई फायदा है नहीं, और कल अपने को ना वापसी निकलना भी है, और अपनी फ्लाइट कल की है। तो चलते चलते ना आपको वॉक थ्रू देता हूँ भाई टिटोस लेन का। वैसे आज कुछ ज्यादा अच्छा कुछ खास क्राउड नहीं है, वैसे सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत सही क्राउड रहता है, देख रहे हो गोवा की नाइट लाइफ। चलो भाई हम टिटोस लेन से बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ पे मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, यार वो कहाँ चले गए, मैंने उनको बोला था कि पहले पहले आ रहा हूँ मेरा वेट करना, लेकिन वो लोग कहाँ निकल गए यार समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई जी हमारे जफर भाई आ गए हमको लेने के लिए, हुआ गया ना कि भाई मैं तो पैदल पैदल आ रहा था ना ब्लॉक करते करते, ये लोग थोड़ा सा आगे को निकल गए थे चाय वगैरह पीने के लिए। रात के ना तकरीबन 3 बज चुके हैं, अब रात बोल लो चाहे सुबह बोल लो, अब हम निकल रहे हैं अपने रूम की तरफ। नहीं भाई नहीं चाहिए यार। तो चलो भाई फाइनली अपना यहाँ पे व्लॉग हम ख़त्म करते हैं,
अभी हुआ क्या था कि कैमरा मैंने इसलिए ऑन करा क्योंकि एक बंदा ना हमारे पीछे पड़ गया। अभी स्कूटी में देखा था आपने, बंदा पीछे आ रहा था भाई साहब, हम बोले उसको जा जा जा, नहीं कह रहा आइटम आइटम आइटम। यहाँ पे टैटूज लेने में जैसे आप बाहर निकलोगे ना, यहाँ पे ये सीन चालू हो जाता है।